तो देखो चैप्टर फोर हम लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम लोग एक चैप्टर पढ़े मनी मार्केट, एक चैप्टर पढ़े कैपिटल मार्केट, फिर एक चैप्टर पढ़े, दो ही चैप्टर पढ़े मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद दो छोटा छोटा चैप्टर और बचेगा और ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिनको आप लोग इंस्टीट्यूशन बोल लो या इंटरमीडियरीज बोल लो, ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट इंडिया में जो आपको फाइनेंस लेने में मदद करता है। तो देखो पहले कुछ स्मॉल स्मॉल आंसर्स हैं, और रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या है। इंटरमीडियरीज मतलब वो मिडिल मैन जो आपको फाइनेंस अरेंज कराने में मदद करते हैं। तो ये लोगों का मीन्स ऑफ रिसोर्स फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर, ये लोग क्या करते हैं, जो सेव कर रहे हैं उससे पैसा अरेंज करके इन्वेस्टर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये लोग रिसोर्स अरेंज करके देते हैं सेवर टू इन्वेस्टर। दूसरा बात बोला प्रोवाइड सेफ्टी लिक्विडिटी एंड रिटर्न ऑन सेविंग, आपको बिजनेस को सेफ्टी देते हैं, आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको लिक्विडिटी देते हैं, आप जब चाहे बेच के वापस निकल जाओ अपना पैसा कलेक्ट कर लो, और आपको अच्छा रिटर्न देते हैं आपके सेविंग के ऊपर। मोबिलाइज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सारा सेविंग को एक जगह इकट्ठा करने में मदद करते हैं। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लोग हर टाइप का लोन अरेंज करवा के दे सकते हैं। ये लोग देश का एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों सेक्टर को मेनली फाइनेंस का दरकार है इंडिया में, और इन दोनों को ये लोग फाइनेंस अरेंज करके देते हैं, और देश का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो रोल ऑफ इंटरमीडियरीज बहुत सिंपल था, सेवर इन्वेस्टर को एक साथ लाते हैं, सेफ्टी लिक्विडिटी और रिटर्न का अरेंजमेंट करते हैं, सेविंग को इन्वेस्टमेंट को एक जगह मोबिलाइज करते हैं, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म हर टाइप का फाइनेंस अरेंज करके देते हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा रोल है, और ये लोग देश का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आता है दो टाइप का डिवीजन, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडिया में दो टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो बैंकिंग एक नॉन बैंकिंग। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, ये नाम बहुत फेमस चलता है NBFC। तो बैंकिंग हम लोगों को पता है क्या काम करता है, टेक डिपॉजिट एंड लेंड मनी। बैंकिंग में कमर्शियल बैंक सबसे मेन है जो ये काम करके देता है, जिनका प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। क्या क्या तरीके से लोग आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आप FD बना के पैसा जमा कर सकते हो, आप करेंट अकाउंट खोल सकते हो, आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो। तो FD करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और RD, चार तरीके से कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। पब्लिक को लोन कैसे देता है वो भी चार तरीका है, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी देता है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, आप बैंक में लोन लिए, लोन का पैसा वहीं रख दिए, जब जितना दरकार केवल उतना ही निकाले। आप 50 लाख का लोन लिए लेकिन आपको 5 लाख का दरकार है, आप 5 लाख निकाले, मान लो 10 दिन के लिए जरूरत है, 10 दिन के लिए निकाले, तो आपको 5 लाख पे 10 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, खाली पूरा इंटरेस्ट नहीं। तो CC अकाउंट, टर्म लोन जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, 5 साल के लिए बैंक से लोन लेके आ गए घर पे। अब बिल डिस्काउंटिंग का भी फैसिलिटी देता है, तो वो भी एक टाइप का लोन ही है, टाइम से पहले आप बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा लेते हो बैंक से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, तो दो टाइप का है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में काम क्या है इनका, डिपॉजिट लेना, लोन देना। तो इनका तीन एक्टिविटी, इनका तीन फंक्शन डिवाइड किया हम कमर्शियल बैंक का, प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्रेडिट क्रिएशन। प्राइमरी में दो ही काम है, लोन लेना, डिपॉजिट लेना, लोन देना। चार तरीके से लोन ले सकते हैं और चार तरीके से ही डिपॉजिट होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है इनका, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस वगैरह आप पेमेंट करवा सकते हो इनकी मदद से। आपको लॉकर फैसिलिटी देता है, आप एक बार में बल्क इन्फॉर्मेशन बैंक को भेज दो, बैंक आपके सारे स्टाफ के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर देगा। आप बैंक को एक लिस्ट बना के दे दो, बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल के उन सबके अकाउंट में डाल देगा। जनरल यूटिलिटी सर्विस देता है आपको, ATM फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, बहुत कुछ देता है बैंक आपको अदर फैसिलिटीज़ में। और बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कमर्शियल बैंक का। आपसे लोन लिया, सर्टेन परसेंटेज अपने पास डिपॉजिट रखा, वही CRR SLR बोल के बाद बाकी आगे लोन दे दिया, फिर अगला बैंक भी वही किया, तो ये सर्कल घूमता रहता है। तो इससे
आपको क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो बैंकिंग वाला पार्ट हम लोग जानते हैं, हम लोग का मेजर फोकस नॉन बैंकिंग के ऊपर है। नॉन बैंकिंग को ये लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस और लास्ट है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। तीन कैटेगरी में ये लोग इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड किया, ऑल इंडिया, स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट। अब ऑल इंडिया में कौन कौन आता है, तो तीन आते हैं। देखो यहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ब्रेकअप दिया है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ये एक हो गया ऑल इंडिया बेसिस पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गया IDBI। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ICICI। ICICI आजकल एक बैंक भी हो गया, लेकिन बैंक होने के पहले ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। तो ऑल इंडिया लेवल पे तीन है, IFCI, IDBI, ICICI। स्टेट लेवल पे दो है, SFC और KFC। KFC वो चिकन वाला नहीं, KFC है ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया SFC, केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया केरला का अलग से। और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया में तीन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI। तो ये है पूरा ब्रेकअप यहाँ पे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का। बैंकिंग में कौन लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स, मतलब फाइनेंस का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक। नॉन बैंकिंग में तीन लेवल है, इंडिया लेवल, स्टेट लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल। तो इंडिया लेवल पे तीन है, IFCI, IDBI और ICICI। स्टेट लेवल पे दो पढ़ते हैं हम लोग मेनली, बहुत है और भी, बट हम लोग यहाँ सिलेबस में दो ही पढ़ेंगे, SFC एंड KFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन तीन है, LIC, GIC, UTI। अब एक एक करके इन्हीं के बारे में बात करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपके सामने आया IFCI। तो देखो पहले ये तीनों को डिस्कस किया हम, जो तीनों इंडिया लेवल पे है। इट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1948 टू फाइनेंस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। IFCI इंडिया में 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, लार्ज फाइनेंशियल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए। ये लोन देता है अप टू 25 ईयर्स, 25 साल तक का लोन देता है ये, एंड गारंटी भी देता है 25 साल तक का। मतलब आपको कहीं और से लोन मिला है तो ये बैंक आपके बिहाफ में गारंटी भी दे सकते हैं। अंडरराइटिंग का काम करके देता है, अंडरराइटर का रोल प्ले करता है, मतलब आपके शेयर्स को बिकवाता है मार्केट में। ग्रांट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर्पज, आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई अप्रूवल चाहिए तो वो भी अरेंज करके देता है। गारंटी फॉर लोन इन फॉरेन कंट्री विद परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपको फॉरेन में लोन चाहिए तो ये वो भी उसका भी गारंटी लेके देता है। फॉरेन में कोई बैंक है वो आपको लोन देना नहीं चाह रहे तो आप IFCI के थ्रू वहाँ पे गारंटी दिलवा के लोन ले सकते हो, लेकिन IFCI पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगा इसके लिए। ये इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज को प्रमोट करने का काम करता है, नया इंटरप्राइज कोई खोलना चाहता है उनको मदद करता है। ये काउंसलिंग करता है कॉरपोरेट्स का, मतलब कोई एडवाइस चाहिए, कोई एक्सपर्ट एडवाइस, कोई फाइनेंशियल एडवाइस, तो वो भी देता है आपको। असिस्टेंस इन सेटलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन विद फॉरेन कंपनी, मान लो आपका कोई फॉरेन कंट्री से डील हो रहा है, अब वहाँ का कंपनी और आपके बीच में ये इंटरमीडियरी का रोल भी प्ले करेगा, मतलब आपको असिस्टेंट करेगा, एडवाइजरी देगा। मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटी, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में शेयर बेचने उतरता है तो उसको एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है, IFCI वो काम भी करके देता है। और क्रेडिट रेटिंग विद ICRA, आपका ऑर्गेनाइजेशन को, आपका कंपनी को अगर क्रेडिट रेटिंग चाहिए, मतलब वो स्टार रेटिंग मिलता है ना, 5 स्टार, 3 स्टार, ICRA बोल के एक एजेंसी है जिनका यह है इंडियन कॉरपोरेशन रेटिंग एजेंसी, ये इंटरनेशनल कॉरपोरेशन रेटिंग एजेंसी ICRA, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में रेटिंग्स देने का काम करता है। इंडिया में ICRA किसके साथ मिलकर रेटिंग देता है, IFCI की मदद से। तो IFCI सर्वे करता है फिर ICRA रेटिंग देता है। तो IFCI का काम ये सब है, बड़ी इंडस्ट्रीज को मदद करना, लॉन्ग टर्म लोन देना 25 साल के लिए, गारंटी देना, फॉरेन काम में मदद करना, ये सब काम ICRA के साथ मिलकर रेटिंग एजेंसी देना, तो ये सब काम IFCI का। अब आते हैं IDBI के ऊपर। यह सेटअप हुआ 1 जुलाई 1964 को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम से समझ में आ रहा है इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। तो इट असिस्ट लाइक डायरेक्ट लोन, अंडर राइटर, गारंटर, ये भी वो सब काम करके देता है।
ये देखो सेकंड पॉइंट में डिफरेंस आएगा, इट प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल मीडियम एंड टीनी एंटरप्राइज। IFCI क्या करता है, बड़ा स्केल इंडस्ट्रीज को मदद करता है, जबकि IDBI स्मॉल मीडियम एंड टीनी एंटरप्राइज को भी। ये रीफाइनेंस ऑफ लोन का भी काम करके देता है। रीफाइनेंस क्या होता है, आप एक जगह से लोन ले रही है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, आप बुद्धि लगा लिए, आप बोले IDBI के पास गए, बोले हमको उसका लोन रिपेमेंट करना है, इसके लिए लोन चाहिए, तो IDBI आपको लोन दे देगा ताकि आप दूसरा लोन रिपे कर दो और आपको IDBI में कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। असिस्ट टू डेवलप बिजनेस इन बैकवर्ड एरिया, जो लोग बैकवर्ड एरिया में बिजनेस खोलना चाहता है उनको ये लोग ज्यादा मदद करते हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ज्यादातर बैकवर्ड एरिया में ही होती है। ये लोग कंसल्टेंसी और एडवाइजरी का काम करते हैं, ये टेक्निकल बिजनेस सेटअप में मदद करते हैं। आपको अगर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस खोलना है ना तो IDBI आपका मदद करेगा। रिसोर्स प्रोवाइड टू अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दूसरे जो छोटे लोन प्रोवाइडर हैं उनको लोन देने का काम IDBI करता है, छोटे लोन प्रोवाइडर्स को IDBI लोन देता है। प्रोवाइड सर्विस लाइक एसेट क्रेडिट, आपको एसेट पे उधार मिल जाएगा, फाइनेंसिंग करके दे देगा आपको, इक्विपमेंट लीज पे दिलवा देगा आपको, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए लॉन्ग टर्म रेंट पे आपको लीज पे एसेट दिलवा देगा, और मर्चेंट बैंकिंग का फैसिलिटी दोनों ही करके दे रहा है, IFCI भी और IDBI भी। तीसरा आ गया ICICI, ये कब सेटअप हुआ, 1955 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये उन इंडस्ट्रीज को मदद करता है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और मॉडर्न वे में बिजनेस करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, ICICI एक टाइप का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्राइवेट कैपिटल को इनकरेज करता है ये। एनकरेज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो लोग प्राइवेट कंपनीज खोलना चाहते हैं उनको मदद करता है ये। तो ये फाइनेंस फॉर कैपिटल एसेट लाइक लैंड इक्विपमेंट, ये सब खरीदने के लिए फाइनेंस अरेंज करके देता है। गारंटी प्रोवाइडर तो है ही सब कोई, अंडर राइटर तीनों के तीनों है, कंसल्टेंसी सर्विस तीनों के तीनों में था, एंड फैसिलिटी लाइक डिफर्ड क्रेडिट, लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है आपको, इक्विपमेंट लीज पे खरीदने में मदद कर रहा है, तो ये सब चीज़ में ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मदद करते हैं। तो हम लोगों का पहला हो गया जैसा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम लोग तीन पढ़े IFCI, IDBI, ICICI। अब आ जाते हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे दो है और फिर आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे दो कौन है, SFC और KFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, दोनों 1951 में बना। पहले SFC का बात करते हैं, हेल्प मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये न तो टीनी को मदद कर रहा है ना लार्ज को, ये मीडियम और स्मॉल को मदद कर रहा है। मैक्सिमम लोन अप टू 20 ईयर्स, वहाँ क्या था 25 साल तक का भी लोन था, ये मैक्सिमम 20 साल का लोन देता है। मेनली हेल्प टू माइनिंग इंडस्ट्री, पावर, होटल, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग बिजनेस, ये मेनली इन बिजनेस को मदद करता है, जो लोग माइनिंग का बिजनेस कर रहे हैं, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी का, होटल बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कर रहे हैं, पैकिंग का बिजनेस कर रहे हैं। अंडर राइटर का रोल तो सिर्फ प्ले करके देता है, ये भी करके देता है। सेटिंग न्यू बिजनेस एंड ऑल्सो एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, नया बिजनेस में मदद करता है और कोई ऑलरेडी सेटअप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है उनको भी मदद करता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट भी करके देता है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को, तो ये सब काम SFC करता है। अब आते हैं लास्ट KFC, स्टेट कॉरपोरेशन के अंदर हम लोग स्टेट लेवल के अंदर हम लोग दो ही पढ़े थे, SFC और KFC, KFC पढ़ते हैं। KFC का मेन काम ना टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का मेन लॉजिक था केरला बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना, जो लोग बैकवर्ड एरिया में टूरिज्म स्पॉट्स थे केरला में, वहाँ पर बिजनेस को डेवलप करने का मौका दिया, और बाद में धीरे धीरे अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी, टूरिज्म के बाद ये अदर में भी गया। ये मैक्सिमम लोन देता है अप टू 60 लाख, और सम केसेस में 3 करोड़ तक का लोन देता है, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम लोन 60 लाख या 3 करोड़ तक का लोन। ये गारंटी भी देता है, ये लोग सबको ही गारंटी देते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोफेशनल्स ऑल्सो, ये मस्त आया, जो लोग CA, लॉयर, MBA ये सब का ऑफिस खोलना चाहते हैं, प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, ये उनको भी लोन देता है। तो ये था SFC एंड KFC अंडर द हेड स्टेट कॉरपोरेशंस। अब आ गया इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, LIC, GIC, UTI तीन पढ़ना है हम लोगों को, तो LIC, GIC पढ़ेंगे और फिर UTI पढ़ेंगे, और इसके बाद एक NBFCs बोल के कुछ एक चीज़ और पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा।
एलआईसी का काम क्या है? एलआईसी बना 1956 में स्पेशल एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास हुआ तब जाके एलआईसी बना। फंड फ्रॉम पॉलिसी होल्डर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट सेक्टर इंडस्ट्री। आप लोग सब कोई प्रीमियम भरते हो एलआईसी लेते हो, तो आप लोग सब इंश्योरेंस लेते हो प्रीमियम भरते हो, तो एलआईसी उस प्रीमियम को आपसे कलेक्ट करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से कमाता है और आप लोगों को मैच्योरिटी पे पेमेंट करते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्प्रेड करता है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को, ये लोगों का सेविंग को एक जगह इकट्ठा करता है, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है आपको, क्योंकि आप जब रिटायर हो गए, मैच्योर हो गए, पॉलिसी मैच्योर होगा तो आपको पैसा मिलेगा, तो आपको ये सिक्योरिटी देता है। ये एज ए ट्रस्टी काम करता है, आपका पैसा को ये सेव करके रखता है और आपको मैच्योरिटी के बाद पेमेंट करता है, और ये रिस्क कवर करता है आपके लाइफ का। एलआईसी का मेन काम क्या है? आपके लाइफ का रिस्क कवर करना। आपको कुछ हो गया तो आपके घर वालों को पैसा मिलेगा, आग लग गया फायर इंश्योरेंस कराते हो तो सबका पैसा, वो खैर जीआईसी में आएगा। एलआईसी का अदर फंक्शंस क्या है? मोबिलिटी ऑफ सेविंग, जो आप ऑब्जेक्टिव में पढ़े उसी को घुमा फिरा के लिखिएगा। फंक्शंस क्या है? मोबिलिटी ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ कंपनी, ये कंपनीज का शेयर खरीद के उनमें पैसा लगाता है। लोन भी देता है इंडस्ट्रीज को, मतलब ये इंडस्ट्रीज में मालिक भी बनता है और उनको लोन प्रोवाइडर भी बनता है, दोनों काम करता है। इनडायरेक्ट सपोर्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, छोटे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको इनडायरेक्टली पैसा देके मदद करता है। नेशनल इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाता है, लोगों को हाउसिंग लोन और ये सब भी देता है लेस इंटरेस्ट रेट पे, तो ये सब काम करता है एलआईसी। अब आ गया जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। देखो एलआईसी लाइफ को सिक्योर करता है, ये बाकी सब इंडस्ट्रीज को, बाकी सब टाइप का रिस्क को कवर करता है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, अर्थक्वेक, फायर, ये सब इंश्योरेंस ये कवर करता है। तो इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, बर्गलरी मतलब वही चोरी, टेररिज्म, अगर आपको कश्मीर फश्मीर एरिया में और टेररिस्ट आपके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया तो जीआईसी का अगर इंश्योरेंस आपको लिया हुआ तो आपको पैसा मिलेगा उसका। नेचुरल डिजास्टर को कवर करता है। पर्सनल इंश्योरेंस लाइक एक्सीडेंट, हेल्थ, ये सब भी होता है। पॉलिसी ऑफ एसेट्स पे है, स्टॉक का बता ना, स्टॉक का इंश्योरेंस करवाना, एसेट का इंश्योरेंस करवाना, वो सब भी करके देता है। ट्रांजिट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, आपका रास्ता में माल खराब, ट्रक में जा रहा था एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में माल बर्बाद हो गया, उसका भी इंश्योरेंस करके देता है। टोटल 16 जीआईसी देयर इन इंडिया, इंडिया में टोटल 16 जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंडर में 16 इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में। जैसे एग्जांपल हो गया भारतीय एक्सा, फिर आप बोलते हो ना और कौन सा इंश्योरेंस कराते हो पर्सनल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस, तो ये सारे के सारे जीआईसी के अंडर में आते हैं। देखो यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ जीआईसी। जीआईसी दो टाइप का है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में देखो कौन कौन आ गया, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जीआईसी का एक पार्ट है, गवर्नमेंट का ये जीआईसी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट का जीआईसी है। और प्राइवेट कंपनीज का जीआईसी, अपोलो मुनिच, बजाज फाइनेंस, फ्यूचरा जनरल, रिलायंस इंश्योरेंस, रेलीगेयर, इफ्को टोक्यो, टाटा एआईजी, ये सब प्राइवेट सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। जो लोग लाइफ को इंश्योरेंस नहीं देते ये लोग अदर इंश्योरेंस का बात करते हैं। आखिरी पे आते हैं यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये आप सबका पैसा टुकड़ा टुकड़ा में, आप अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हो ये वो सारा पैसा को शेयर मार्केट में डाल देता है, म्यूचुअल फंड्स में। तो चैनलाइज पब्लिक सेविंग इन इन्वेस्टमेंट टू कॉरपोरेट्स, पब्लिक का सेविंग इन्वेस्टमेंट को जोड़ता है और उसको कॉरपोरेट्स में डाल देता है, कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है। तो देखो इनका कुछ नियम कानून है, यूटीआई ऐसे नहीं बनता, यूटीआई बना था 1964 में। चार ट्रस्टी होंगे इन बोर्ड एंड चेयरमैन होगा अपॉइंटेड बाय द आरबीआई। यूटीआई का कंपनी बनाना है आपको तो आपके बोर्ड में चार ट्रस्टी होने चाहिए और एक चेयरमैन जिनको अपॉइंट करेगा आरबीआई। वन ट्रस्टी फ्रॉम एलआईसी एंड एसबीआई, तो आरबीआई के चार ट्रस्टी और चेयरमैन, एलआईसी और एसबीआई का भी एक ट्रस्टी, और टू अदर इलेक्टेड बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ कैपिटल। आपका जो यूटीआई का भी शेयर्स होता है मार्केट में, बाकी दो ट्रस्टी यूटीआई के वो शेयर होल्डर सेलेक्ट करेंगे, मतलब चार ट्रस्टी और एक चेयरमैन सेलेक्ट करेगा आरबीआई, तो टोटल हो गया पांच।
एक ट्रस्टी अपॉइंट करेगा LIC और एक SBI, मतलब टोटल हो गया 5, 2, 7 और 2 अदर, 7, 2, 9, तो टोटल 9 ट्रस्टी हो गए। इन्वेस्ट वाया म्यूचुअल फंड स्कीम, हम आपको अभी बोले थे UTI आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं। एंगेज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आपका बैंकिंग बिजनेस में पैसा लगाता है ये लोग, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में पैसा लगाता है ये लोग, कंसल्टेंसी बिजनेस में पैसा लगाता है ये लोग। स्टिमुलेट सेविंग ऑफ लो इनकम ग्रुप, आप 100 रुपये का 500 रुपये का म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, तो एकदम लो इनकम वालों को भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। आज की डेट में इंडिया में ये रैपिडली ग्रो हो रहा है, एक SIP और SIP और एक म्यूचुअल फंड, ये दो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रहे हैं, तो इंडिया का ये मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये आपको अच्छा खासा डिविडेंड देता है और आपको टैक्स में छूट भी मिलता है अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो, और हाईली लिक्विड, आप कभी भी बेच के निकल सकते हो। तो ये हो गया UTI। इसका डिसएडवांटेज भी है, नो राइट टू अटेंड द मीटिंग, ये कहाँ पैसा लगा रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, उसको आपसे पूछेगा भी नहीं। आप पैसा दियो, ये जहां भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मीटिंग फिटिंग नहीं होता, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। लास्ट बात करेंगे NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, कंपनी रजिस्टर्ड विद RBI प्रोवाइड फंक्शन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड एक्ट एज ए कंपनी, एक कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं, RBI इसको रजिस्ट्रेशन दिया है और ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा है लेकिन बैंक नहीं है। NBFC बैंक जैसा काम करता है लेकिन बैंक नहीं है। इनका मेन काम क्या है, एबल टू अट्रैक्ट हाई डिपॉजिट, ये बैंक की तरह डिपॉजिट ही लेता है, फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स, ये 2 ईयर से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकता, एंड प्रोवाइड अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको अच्छा इंटरेस्ट देता है और 2 साल से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकता। लोन फॉर होलसेल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस करना चाहते हो, उनको लोन देते हैं, एंड प्रोवाइड लोन विदाउट सिक्योरिटी ऑल्सो, आपसे कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं लेकर आपको लोन दे देगा। और ये इन्वेस्ट करता हाई रिस्की वेंचर में, वहाँ पैसा डूबने का भी खतरा है, आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो या हाई रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ चांस है कि आपका पैसा डूब भी जाए। तो ये है चैप्टर नंबर 4।